जसकोर मीणा जी, आपके पास चलना चाहता हूं। सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर, सबसे ज्यादा अत्याचार वाल्मीकि लोगों पर। डोसा बहुत ज्यादा दूर नहीं है अलवर से। क्यों हालात बने इस तरीके से? आप भी सरकार में रहे और कांग्रेस भी सरकार में रही वो पिछले 3 दशक के अंदर, बीजेपी क्यों नहीं रोक पाई इन चीजों को? मैं आपका जवाब का एक ही उत्तर दूंगी, क्योंकि मैं खुद रामगढ़ में उस बच्ची के, प्रियंका के घर पर गई थी और वहां जब उसके परिवार से मेरी बात हुई तो मैं सोचती हूँ ऐसा अमानवीय कृत्य क्यों हुआ। और जब उस 18 तारीख की घटना, 18/6 को उसके साथ घटना घटी, 19/6 तक शाम तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और FIR दर्ज ही नहीं हुई बल्कि यह एक वहां खास धर्म का व्यक्ति, वहां CI बना हुआ है, उसने उस लड़की के भाई को, प्रियंका के भाई को जिस तरह से बदतमीजी से बात की, उसकी मजाक उड़ाई और यहां तक कि कह दिया कि तेरी तो माँ और बहनें वैश्या हैं, ऐसी स्थिति में उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। 20 तारीख को उसकी FIR दर्ज हुई और 20 तारीख को FIR दर्ज होने के बाद भी आप ये देखिए कि उसके पिता को राजीनामे के लिए बुला लिया, राजीनामे की जब मना कर दिया तो उसने कहा कि भाई न्याय तो मुझे सरकार देगी, राजस्थान की सरकार न्याय देने की बात तो दूर। दूसरे ही दिन 24 तारीख को सुबह 5 बजे उसकी लाश पेड़ पे लटकी मिली, बाप की लाश, श्रवण कुमार उसका नाम था। ऐसी जघन्य मानवता के प्रति, ऐसी जघन्य जो अपराध हुआ है, इस अपराध के पीछे ये कट्टरपंथी मुसलमान ही हैं और कट्टरपंथियों को कभी भी, जबकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन ये बैर कर रहे हैं। अलवर और भरतपुर में 140 गांव के अंदर हमारे मेवाती रहते हैं, वहां हिंदू रहना नहीं चाहता, उनको सबको पलायन करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति मैंने आंखों से देखी है कि उसके घर के अंदर 3 दिन बाद 29 तारीख को उसकी बड़ी बेटी की शादी और उधर बाप की लाश पड़ी है। कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है इन अमानवीय अत्याचारियों को, इन अमानवीय अत्याचारियों को? और आप ताज्जुब करेंगे कि 18 तारीख की घटना और 29 तारीख तक वहां की लोकल विधायक उस बच्ची के घर भी नहीं गई, उनके आंसू पहुंचने भी नहीं गई। ये इससे बढ़कर हम क्या माने कि हिंदू और मुसलमान के अंदर दरारें पैदा करने वाले ये मजहबी लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।